चैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। रेडियो ऑपरेटर की काफी सारी वीडियो देखने के बाद आपने इस वीडियो पर भी क्लिक किया है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पधारे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेडियो ऑपरेटर की रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ जाएगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या और आपका फिजिकल है वो किस महीने हो सकता है, क्या आपका फिजिकल है वो मार्च में हो सकता है, क्या आपका फिजिकल है वो मई जून में हो सकता है। तो सारी जानकारी आपको ए टू जेड वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका रिवाइज आंसर की है वो 10 तारीख के पहले पहले आ जाएगी। कितने तारीख तक? 10 तारीख के पहले पहले आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और रिवाइज आंसर की में सभी अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ने के ज्यादातर चांस हैं। अब आप लोग कहोगे क्यों? क्यों देखो, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पर आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, और आप लोगों को खुद पता होगा कि हमने किन किन प्रश्नों पर है वो आपत्ति दर्ज किए थे, जिन जिन प्रश्नों को आयोग आपने आपत्ति दर्ज किए, अगर वो सही पाए जाते हैं और आयोग ये कहता है कि हाँ ये प्रश्नों के हमने जो आंसर दिया वो गलत है, तो आयोग आप सभी लोगों को नंबर देगा। कितने नंबर देगा? आपको पता है कि आपको एक प्रश्न के वो 2.5 नंबर मिलने वाले। अगर किसी अभ्यर्थी के इतने नंबर आ जाते हैं ना, तो उसका सिलेक्शन अगर कभी 0.5 से नंबर से रुकता है, तो वो उसका सिलेक्शन में ये नंबर है रिवाइज आंसर की के बाद जो स्कोर बढ़ जाता है ना, तो वो उनके अच्छा योगदान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात अब आपकी फिजिकल वो आपका किस महीने में हो सकता है। देख लीजिएगा, जैसे ही आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, उसके एक दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट कैसा आएगा, वहां पर आपकी कट ऑफ लग जाएगी, और कट ऑफ में आपको पता चल जाएगा कि इतने नंबर वाले विद्यार्थी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल होता है। अब आपके फिजिकल की बहुत से लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्यों? वो लोग आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा सिलेक्शन होगा कि रेडियो ऑपरेटर में नहीं होगा। आप ये बताओ, क्या आप लोग ये कहते हो कि जितने अभ्यर्थियों के 320, 330, 340 नंबर आ रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा? आप ये बताओ, क्या आप लोग उनकी बात जो कमेंट करके कहते हैं हर एक वीडियो के नीचे कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो क्या आप उनकी बात पर पूर्णतः सत्य हो? कुछ अभ्यर्थी सही भी बताते हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने नंबर बढ़ा चढ़ा कर भी बोल देते हैं। क्यों? वो खुद जानते हैं कि हमारा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो हम लोग गुमराह करते रहेंगे दूसरे अभ्यर्थियों को, जिनका एक रियलिटी स्कोर होगा वो कमेंट करके रियल बताते हैं, सर भैया हमारा इतना स्कोर है, क्या हमारे इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर है वो थोड़ा बहुत कम होते, 170-180 नंबर वाले ना, वो भी कमेंट कर देते कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है, क्या करना है, कमेंट्री तो करना है, उससे क्या लेना देना है होगा। वैसे पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कमेंट कर देंगे तो दूसरा जेन्युइन बच्चा होगा जिसका सही स्कोर होगा, वो अंदर से डर जाएगा, उसे लगने लगेगा कि हाँ इतने अभ्यर्थियों के इतने ज्यादा नंबर, तो हमारा सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होगा, तो हम फिजिकल की वैसे भी तैयारी नहीं करते हैं। तो फिजिकल मस्ट है, आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप है बहुत पछताओगे आने वाले समय में। आपको जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर हैं वो 260 से ऊपर बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी को 260 से आपके ऊपर स्कोर आ रहा है, आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। और 340 वाला नंबर पाने वाला अभ्यर्थी अगर फिजिकल नहीं निकाल पाएगा तो नीचे कट ऑफ फिर से लगाई जाएगी, और ये कट ऑफ बार बार ना लगाने पड़े आपको ऐसा दिन नहीं देखना है, क्योंकि बार बार कट ऑफ लगती है ना, तो फिर हम लोग को बहुत सी टेंशन हो जाती है, फिर हमें ये लगने लगता है कि नीचे और कम नंबर वाले भी आ जा रहे हैं, वो लोग फिजिकल निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर हम शायद बाहर हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, आज से आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। और मैं आपको बताने वाला था कि आपकी फिजिकल की कब तक हो सकता है और फिजिकल की डेट आपको कब तक मिल सकती है। देखो, आप लोग जानते हैं कि 15 से 20 मार्च के बीच में वो आचार संहिता लग जाएगी, इससे पहले पहले आपका रिजल्ट है वो भर्ती बोर्ड दे देगा रेडियो ऑपरेटर का। अगर इसके बीच आपका रिजल्ट नहीं आता 10 से 12 तारीख के बीच में, तो आपकी रिवाइज आंसर की 100% आ जाएगी। 15 से 20 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट है बुक का भी जारी किया जा सकता है। हाँ, आप लोग कहोगे कि आचार संहिता लग जाएगी तो रिजल्ट फिर कैसे आएगा? जब आचार संहिता लग जाएगी रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है ना, वो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं की जाएगी। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल वो आपका नहीं कराया जाएगा। और फिर आपका ये फिजिकल है गर्मियों में होगा, भीषण गर्मी में, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा।
क्योंकि भीषण गर्मी में अगर फिजिकल होता है मई जून में, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सभी बहुत से अभ्यर्थी हैं 100% बाहर होंगे। क्यों? गर्मी की वजह से वो दो लोग हैं रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रनिंग कर चलिए, चाहे आपका स्कोर कम है क्यों ना हो, आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और आप समझ लीजिए कि आपका जो फिजिकल है मार्च में नहीं हुआ, तो फिर आपका फिजिकल वो लास्ट मई और जून के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना, ये बात मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। गारंटी के साथ अगर आपका फिजिकल है वो मार्च में नहीं हुआ, आप लोग स्थिति जान रहे हो कि क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है, तो चुनाव होगा उसके बाद है सरकार का जैसे ही गठन हो जाएगा उसके बाद है फिर आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात है कट ऑफ, कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, क्या अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका स्कोर है वो 280 प्लस बनना है, तो आज से ही आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। 280 अगर आपके नंबर है फिर जनरल कैटेगरी, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग रहिएगा। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो और आपका स्कोर है वो 270 प्लस माइनस के 5 है, तो आप 100% फिजिकल के लिए क्वालिफाई करोगे। और नेक्स्ट उसके बाद एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर है वो 260 बनना है, क्या 260 प्लस माइनस के 5 है, तो आप है फिजिकल की तैयारी कीजिएगा और इससे ज़्यादा फिजिकल की कट ऑफ नहीं लगेगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद फाइनल कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, 5 से 10 नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि 3 से 4 गुने अभ्यर्थियों को आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और फिजिकल अगर लोग पास नहीं कर पाते तो फिर कट ऑफ डाउन कर करके फिर लगाई जाती है, फिर अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, जिससे वो भी लोग क्वालिफाई कुछ लोग कर जाते हैं, तो फिर एक है टोटल मिलाकर के फिर एक कट ऑफ लगाई जाती है, जिससे पता चल पाता कि हाँ इतने नंबर वालों को सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको फिजिकल में बाहर ना होना पड़े, आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा मौका, आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा, क्यों सुबह आपका 1 घंटे में फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। बाकी के आपके पास 23 घंटे का समय आप कुछ भी करते रहो, आप ये मत सोचो कि हमारा फिजिकल होगा कि नहीं होगा, फिजिकल आप यूपीएस कॉन्स्टेबल के लिए भी तो एलिजिबल हो, क्योंकि आपने यूपीएस कॉन्स्टेबल का भी फॉर्म डाला है, ठीक है। आपका मान लो रेडियो ऑपरेटर में किसी कारण का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आपके पास एक अच्छा मौका है ना रेडियो ऑपरेटर में इस वक्त, मतलब रेडियो ऑपरेटर से हटके यूपीएस कॉन्स्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए, आप खुद समझ सकते हो। और रेडियो ऑपरेटर और यूपीएस कॉन्स्टेबल की नौकरी में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। विभाग एक ही, पुलिस विभाग एक ही है, लेकिन अंतर ज्यादा, सैलरी का अंतर भी है और पोजीशन का भी अंतर है और क्षेत्र में वैल्यू का भी अंतर है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी के आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जो लोग जितने लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा, आप सभी लोगों को बहुत ही जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रेडियो ऑपरेटर से जुड़ी जो भी जानकारी आपको मिलेगी मैं आपको वीडियो बना करके फटाफट से शेयर कर दूंगा, तो जुड़ रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।